देखो जेडे कल जेडे बिल लेके आए है पंजाब गवर्नमेंट असी साथ दिता उन्हां दे पास करन च भी ते राजपाल तक पहुंचन च भी साथ दिता किसानां करके असी खुद किसान दे किसान परिवार नूं बिलोंग करदे हां किसान दे पुत भतीजे हां ते असी किसानां लई साडी जान हाजर है पर ताकि कल दा साथ जिहड़ा उह इस करके भी साडा जरूरी सीगा ताकि ये पता लग जाए कि पूरा पंजाब जिहड़ा है सेंटर तक ये मैसेज पहुँचे वो इकट्ठा है इस मामले पर। पर जिस तरीके कांग्रेस जिहड़ी है वो आतिशबाजियां चला रही है लड्डू बन रही है पटाके चला रही है ये कोई उन्होंने जित नहीं हैगी ये तो सिर्फ एक अमेंडमेंट है अमेंडमेंट लेके आए ने उन्होंने बिलों च पंजाब वालों उस उन्होंने सेंटर के बिलों ही अमेंड करने की तजवीज़ है बेनती है। मैनू ये दसो ये तो उही गल होगी कि जिवें प्रिंसीपल द्वारा दिते हुए हुक्म नू कोई पीटी मास्टर कुछ बदला करके उन्हूं भेज दे ते हजे प्रिंसीपल कोले पहुंचे भी ना होवे ते पहले ही वह भंगड़ा पाउण लग जाए ते किसान हजे भी सड़कां ते बैठे ने इहदे नाल इक्को ही गल इक्को ही मैसेज गया कि पंजाब जिहड़े आ उह इकट्ठा है इस मामले से। पर विरोधी धिर होने के नाते असी इन्हों मनमर्जियां कर नहीं देवे कैप्टन साहब अखां च घट्टा पाने की कोशिश ना करन के साथ देता ते किसानां दा राखा ये वो टाइटल रख के ते वो जिहड़े ने किसानां दे राखे बन गए हजे तो लड़ाई शुरू होनी है लड़ाई तो हजे भी सेंटर नाल ही है। सो इस करके असी ये कहना है कि जी MSP का जिहड़ा बिल है वह पंजाब सरकार क्यों नहीं लैके आउंदी हुण इन्होंने कहता कि MSP तो घट जिहड़ा खरीदूगा उन्होंने 3 साल की सज़ा की तजवीज़ है। पहली गल तो सेंटर जे MSP तो ही मुकर गया जी जिहड़ा कि उन्होंने शंका हैगी है उन्होंने मंशा हैगी है जे MSP तो ही मुकर गया फिर घट वधदा की है। नंबर 2 ते जे सेंटर ने कहता सेंटर दी एजेंसियां ने सानू तो इन्ना कु चाहिए जी बाकी नहीं असी खरीदते प्राइवेट प्लेयर कहिंदा मैं भी नहीं खरीदा फिर जिहड़ी फसल बच गई उहनूं कौन चकूगा जी वह कित्थे बेचूगा किसान। तो पंजाब सरकार MSP का बिल लैके आए अज भी साढ़े जिहड़े MLA उन्होंने इस गल ते वाकआउट किया है कि पंजाब सरकार गरंटी करे कि जिहड़ी फसल बच गई सरकार जिहड़ी सेंटर दी एजेंसियां दे खरीदण तो बाद उहनूं असी चक्कांगे नाल खरीद की गरंटी भी देवे कि असी एक एक दाणा पंजाब सरकार अपनी MSP लागू करे ते MSP ते कणक ते झोना करते मालवे दे विच कपाह ते नरमा रोल रहा कि पंजाब सरकार उन्हां नूं किसान नहीं समझदी जाओ कपाह नरमा मक्की वगैरह वो फसलां नहीं समझदी उन्हां नूं। सो अखां च घट्टा पाउण की कोशिश ना करन इह कि पता नहीं असी कल जिहड़ा बिल पास हो गया तो असी हीरो बन गए पंजाब दा राखा पता नहीं की टाइटल दे रहे ने जिहड़े कांग्रसी ने लड्डू बन रहे ने पंजाब दे किसानां दे चुल्ह्यां च अजे भी अग नहीं मची ये लड्डू जिहड़े ने शायद इन्हां दे 2022 वाले फुट रहे ने वो गलत फहमी च ने लड़ाई सेंटर नाल लड़नी पऊगी वड्डे पद्धर ते जे जे इन्ने ही पंजाब दे राखे कहाउंदे ने कैप्टन साहब तो फिर राष्ट्रपति तो सैन करा के लिया फिर उन्होंने चक के बिल परा मारने ने जी उन्होंने ही कह रहे हैं कि तुहाडे बिलों के अमेंडमेंट कर रहे हैं पंजाब दा एक्ट थोड़ी है कोई ये। सो MSP का बिल लेके आओ सरकार जिहड़ी है वह पंजाब सरकार खुद गरंटी देवे किसानों नूं कि असी MSP देवांगे जिन्नी भी फसल बच गई लड़ाई तो यह है लड़ाई ये थोड़ी है कि लो जी असी एक कानून इत्थे लिआंदा इत्थों पास हो गया एक लागू थोड़ी हो सकता है जी कुछ नहीं होया अज तक। सो कल मीत हेर होर ने भी उत्थे कल यही बोलिया साढ़े सारे MLA ने भी अंदर यह बोलिया कि पंजाब सरकार गरंटी ये देवे कि असी किसानां दी कल फसल का कला कला दाणा MSP ते चुकांगे नॉट ओनली कणक एंड झोना बाकी 21 फसलां क्यों छड़ती इन्हां ने। सो असी ये गल कहन लई तुहाडे कोल आए हां कि ये जिहड़े अमेंडमेंट है विचाले लफ्ज़ पाया तो कोई भी सरकार कर दूगी जी असी ऑलरेडी दिल्ली दे विच MSP तो 700-800 रुपया ज़्यादा भा दे रहे हैं दिल्ली की गवर्नमेंट ठीक है ना। सो यह MSP शोर करो प्लस आ जिहड़े बिल ने और रद्द थोड़ी हो गए उहदे नाल ये तो सिर्फ फड़ा के आए हैं तो कहिंदे जी जित गए वह गल होगी। सो यह गलत फहमी च ना रहन आम आदमी पार्टी विरोधी पार्टी है असी इन्हां दा जिउणा हराम कर देंगे जिन्नी देर अस क्योंकि इन्हां बिलों बारे कला कला कलॉज बारे समझाना भी साडा फर्ज है कि की ने इहदे च की लिखा होया है
ठीक है ना। सो जे कल नूं कोई एम एस पी खरीद तो घट नहीं खरीदता तो जिवें कल मीत होरां ने कहा सीगा उत्थे करप्शन दे जिहड़ा मैं मीत जी नूं कहूँगा वो क्लीयर करन कि जे कोई एम एस पी नहीं खरीदता बे 100 क्विंटल चो मैं 50 क्विंटल खरीदूंगा तेरी कोई प्राइवेट प्लेयर कहिंदा। देखो जी जिवें मान साहब ने पहला भी क्लीयर करता कि जेडे कानून सेंटर गौरमेंट ने बनाया पार्लीमेंट च पास होए ने उस तो बाद राष्ट्रपति की मोहर लगी है पंजाब सरकार उन्हां च अमेंडमेंट किदां कर सकती है। पंजाब सरकार नूं असीं कल भी कहा सीगा भी जिहड़ा कोई आपदा जिहड़ा कानून है वह लैके आना चाहिए यह गल दा ही सानूं पहला तो ही शक सी इसे करके असीं वैसे तो कानून मुताबक जिहड़े बिल ने यह सानूं पहला 15 दिन पहला दिन मिलने चाहिए सी पर असीं 2 दिन पहला भी सैशन तो स्पीकर साहब कोले गए क्योंकि सानूं उदों दा ही खर्चा सीगा भी इहदे विच जिहड़े सानूं बिल नहीं दे रहे कोई ना कोई चाल है असीं स्पीकर साहब कोले गए सी उन्हां नूं कहा भी सानूं जी 15 दिन पहला नहीं 2 दिन पहले ही बिलों की कापी दवा दो सानू 2 दिन पहला नहीं दी असी 1 दिन पहला बेनती की तां दी असी विधानसभा के अंदर धरना लाया तो विधानसभा के अंदर जिहड़े फाइनैंस मिनिस्टर ने मनप्रीत सिंह बादल ने अंदर कहा कि जी 5 बजे तक जिहड़े बिल ने वो सारे मैंबरस नूं मिल जाणगे असी सारी रात अंदर बैठे रहे सानू बिलों की कापी तक नहीं दी गई वो इस करके नहीं दी गई क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्हां ने पहला भी मिली भुगत करके भाजपा के नाल जिहड़े 2019 तो जिन्हों पता सीगा जिन्हां दे आप दे कांग्रेस के मैनीफेस्टो दे विच सी उन्होंने अज भी मोदी सरकार दे नाल मिली भुगत करके जिहड़ा यह ड्रामा लिया जिहड़ा उन्होंने कल अंदरले एक बयान तो भी साबित हो गया क्योंकि मोदी सरकार ने उन्होंने कहा भी पंजाब च किसानां दा गुस्सा बहुत बढ़ता जा रहा प्रदर्शन बहुत वड्डे लैवल ते हो रहे हैं तुसी किसान आ देखो जी मैं हुण जिहड़ी अमेंडमेंट ले आंदी बिल ले आंदा हुण जिहड़े किसानां नूं बेनती है तुसी धरने चक लो इह गल तो साफ हुंदा भी मोदी सरकार दी कहण ते एक ड्रामा मोदी दे नाल मिलके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिहड़ा उह खेडिया जिहदे नाल इन्हां ने कल साबित करता विधानसभा च कह के भी तुसी जिहड़े आ धरने आ किसानां नूं चक लो किसान धरने कर ली चक्कण जे तुसी कहने हो कि असी जी उहदे च अमेंडमेंट करती असी परचा देवांगे जिहड़ा 3 साल जिहड़ा एम एस पी तो घट खरीदू सेंटर ने सीसीएल लिमिट बंद कर देनी है तुसी कहने हो असी खरीद नहीं सकते साडे कोल पैसे है नहीं व्यापारी कहूगा जी मैं पंजाब चाहूँगा तो जे मैं खरीदूंगा एम एस पी तो मेरे से परचा होगा तो दसो किसान जाऊगा किधर नूं खरीदूगा कौन सो यह किते ना किते पंजाब दे किसानां नूं जिहड़े अज आर पार की जिंदगी मौत की जिहड़ी लड़ाई लड़ रहे उन्हां दे नाल कल असी समझदे आ बहुत वड्डा धोखा होया गा कल असी विधानसभा के अंदर भी साडे लीडर ऑफ ओपोजिशन ने अमन अरोड़ा जी ने कल असी भी अंदर ये सवाल चुके सीगे कि तुसी जे थोड़े कोले इनकम दे सोर्स नहीं हैगे इहदा कोले लोकां दी गलती थोड़ी है पंजाब कोले किन्ने स्रोत ने पंजाब दे विच अज घट्टो घट 7000 जे मैं कहना जे पंजाब सरकार एम एस पी नहीं दे सकती गरंटी तो अस्तीफा दे देण कैप्टन साहब असी करके दिखा देंगे ये थोड़ी हुंदा है सरकारां कोले बहुत साधन हुंदे ने सरकारां कोले बहुत पावरां हुंदियां ने सो किते ना किते भज रहे ने सिर्फ 2 तरीके करके ही जिहड़ा बिल है उह लुकोया जांदा है विरोधी पार्टी तो जां तां सरकार ने खुद ना पढ़िया होवे कि सानूं तां आप नहीं पता जां फिर उहदे विच कुछ जिहड़ी विरोधी पार्टियां तो जां लोकां तो लुकाउण वाली गल होवे तो लुकाउण वालियां गल्लां करके सानूं बिल्कुल ऐन मौके ते बिल दित्ता असीं किसानां करके साथ दित्ता कि इह ना मैसेज आवे कि जिहड़े ने कोई राजनीतिक पद्धर ते कोई इत्थे जिहड़ा असीं दो फाड़ हां सो उह मैसेज तां असीं दित्ता पर अज फिर कहिंदे आ साडे अपोजिशन दे लीडर भी आ गए ने अज हिंदी में अज फिर क्या विरोध है हांजी हमारा विरोध ये है कि ये कानून नहीं बनाए ये सिर्फ अमेंडमेंट की तजवीज की है और अमेंडमेंट भी उन कानूनों में जो सेंटर ने ऑलरेडी बनाए हैं वो अपने ही कानूनों में अमेंडमेंट कैसे कर देंगे। इससे पहले किसान जो हैं वो रेलवे लाइनों पर बैठे हैं लड़ाई तो सेंटर के साथ ही है लड़ाई का तो कोई बदलाव हुआ नहीं लड़ाई उन्हीं के साथ चलेगी लेकिन कांग्रेस इसको ये समझ रही है हमने जीत लिया जी कैप्टन साहब ने एक हिस्ट्री क्रिएट कर दी जी किसानों का रखवाला बन गया नो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स है ये कैप्टन साहब ऐसे पहले भी करते रहे हैं वो हर घर में एक लिखती रूप में कार्ड देके आए थे गारंटी कार्ड के कैप्टन ने सौंप चुकी
तो थोड़ी नौकरी पक्की, मतलब घर घर नौकरी का ये गारंटी कार्ड देके आए थे, किन किन को मिल गई ये पता है सबको। तो ये भी जो इन्होंने बनाए हैं ये वैसे ही एक धोखे के कार्ड हैं ताकि किसानों के संघर्ष को डीरेल किया जा सके। किसान अभी भी वहीं बैठे हैं, लड्डू जो बांट रहे हैं वो सिर्फ कांग्रेसी बांट रहे हैं, किसान के घर पर ना तो दिवाली है ना ही किसान के चूल्हे में आग है। तो हम ये एक कहने के लिए आए हैं कि MSP की गारंटी ले पंजाब सरकार, पंजाब सरकार अपनी तरफ से MSP दे। इसी बात को लेकर आज भी विधानसभा में हंगामा हुआ है, वॉकआउट हुआ है, और उसके लिए मैं चीमा साहब से कहूंगा। देखो जदों अज विधानसभा शुरू हुई, विधानसभा शुरू होने बाद बहुत सारे मामलों के उत्ते सारे विधायकों ने बोलने की कोशिश की। अमन अरोड़ा जी ने जो पॉइंट आउट किया क्योंकि असी आ MSP वाला मुद्दा जोड़ा धोखा नहीं, MSP देवे कैप्टन सरकार, ये मुद्दा जोड़ा है अब पंजाब की विधानसभा के कैप्टन साहब के सामने उठा चाहते सी, पर लेकिन जदों सानू बोलन दिता गया तो मैं खड़े होकर मैं क्या भी साढ़े विधायक बोलना चाहते हैं, तो मैं खड़े होकर स्पीकर साहब को बेनती की कि यह जोड़ा भवन आ पंजाब जी विधानसभा की आजाब के लोगों की आ पंजाब के चुने हुए 117 MLA की आ पूरे पंजाब की आ, तो इनू कांग्रेस का भवन ना बनाओ। स्पीकर साहब तुसी पंजाब सरकार के बुलारे नहीं है, तुसी पूरे सदन के बुलारे हो, तुसी स्पीकर हो, पूरी पंजाब की विधानसभा के स्पीकर हो, तुसी ये रोल अदा ना करो कि तुसी इस तरह लग रहे हो कि जिवें तुसी कांग्रेस पार्टी के बुलारे होवो, और इस तरह लग रहा क्योंकि तुहानू सबनू पता मीडिया को 3 दिन का सैशन लग रहा, पहला 1 दिन का सीगा, फिर असी जोर दिता 2 दिन का हो गया, फिर असी दोबारा ट्राई किया 3 दिन का हो गया, 3 दिन मीडिया को अलाउ नहीं किया गया, मीडिया अंदर नहीं सी, जिन्या गल्लां विरोधी धरां ने बोलिया एक भी मीडिया के जरिए पंजाब बाहर नहीं आ रही, क्योंकि उत्थे अणऐलानी जी एमरजेंसी आ मीडिया से लाई हुई हैगी। सो असी कह रहे थे कैप्टन साहब से सारा कैमरा जोड़े सरकारी कैमरे ने, जो कैप्टन साहब बोलते हैं सिर्फ उत्थे फोकस होंगे, जो विरोधी धरां बोलदिया ने कोई जोड़ा है कैमरा नहीं चलता गा। सो उस समय कैप्टन जो पंजाब के स्पीकर साहब ने कहा कि विरोधी धिर अज कोई भी चीज़ नहीं बोल सकती, ना सानू नेम किया, ना साडे खिलाफ़ कोई रेजोल्यूशन पास किया, सानू कहा गया कि जिहड़ी विरोधी धिर खास तौर पर आम आदमी पार्टी वो इस विधानसभा का जिहड़ा रहिंदा सत्र आ उस कोई गलबात नहीं होगी, तुसी बैठ के सुन सकते हो, तुसी विधानसभा च कुछ नहीं बोल सकते। तो वो प्रोटेस्ट वजो आम आदमी पार्टी जिन्हें समुचे MLA साहबान ने असी वाकआउट किया गा, सरकार तो साड़ी मंग सी कि मिनीम सपोर्ट प्राइस जी वो पंजाब सरकार डिकलेयर करे, क्योंकि जिस तरह पहला मान साहब ने दसिया, जिस तरह मीत हेयर जी ने एक्सप्लेन किया गया कि कल के जोड़े कानून ने वो किमें पंजाब के पंजाबीयत नाल पंजाब नाल किमें धोखा ने, कल असी इको एक मैसेज देने का यतन किया कि पूरा पंजाब कट्ठा गा, पूरा पंजाब इन्हां बिलों का विरोध करता गा, पर जो टैक्नीकलिटीज ने गिया जिहड़ियां विच घाटा ने गिया वो एक्सपर्ट ने दसियां ने गिया किस तरह ये एक्ट जिहड़ा हैगा ये बहुत सारे एक्टां दी वायलेशन आ, किस तरह इस एक्ट दे नाल कोई जिहड़ा मसला नहीं हल होना गा। सो अज असी वाकआउट जिहड़ा कीता गा क्योंकि साडी जिहड़ी जवान आ पूरे पंजाब की जिहड़ी आवाज़ आ उस आवाज़ नूं दबाउण दे लई पंजाब विधानसभा के अंदर कैप्टन साहब ने स्पीकर साहब ने रोल लवाया गा, साडे ते जिहड़ी आने वाली पाबंदी लाई गई। सो हुण मैं अमन अरोड़ा जी नूं कहूंगा जिहड़े कुछ पॉइंट जिहड़े हैगे दोस्तों साथियों सत श्री अकाल। दोस्तों मेरे तो पहला साढ़े पार्टी प्रधान भगवंत मान जी ने, हरपाल चीमा जी ने, मीत हेयर जी ने सारी गल की है। मसला सिर्फ और सिर्फ एको गल है कि MSP एश्योर्ड गरंटिड मिलनी चाहिए, लीगल राइट है जिहड़ा वो किसानों नूं मिल सकता है। मोदी सरकार भज गई तो असी यही उस दिन धरने के अरविंद केजरीवाल जी ने कहा सीगा कि सारे किसानों नूं जिहड़ा लीगल राइट है वो मिलना चाहिए, असी भी कल उही मंग कर रहे सीगे। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो असी सारे ने मसला चके, कैप्टन अमरिंदर सिंह खड़े होकर कहते हैं कि साढ़े को पैसे नहीं है, हुण अज असी उन्हां नूं पैसे किवें इकट्ठे किए जा सकते हैं यदा भी हल दसन लगे सीगे, पर उन्होंने सानू सारे नूं बोलन नहीं दिता है। मैं तुहाडे सन्मुख रखना चाहुंदा कि अज एक विजिलेंस कमिशन दे नाल द पंजाब स्टेट विजिलेंस कमिशन बिल 2020 ये इन्होंने पेश किया सीगा, ते जदों ये बिल सानू मिलिया सॉफ्ट कॉपी इहदी ईमेल आई है ऐतवार रात नूं 8:30 बजे यानी कि 18 तरीक नूं 19 तारीख को मैं यदि अमेंडमेंट सी जिहड़ी वो दे दित्ती, ते उस दिन या अगले दिन इन्हां ने सवेरे 10 बजे मैनू आ बिल दी अमेंडमेंट नहीं पेश कर सकदा मैं ये रिजैक्ट करके दे दित्ती। इहदा कारण की सीगा, इहदे च लिखा कि ऑनरेबल स्पीकर ने इस करके रिजैक्ट कर दिता कि मिनीम क्लीयर 2 डेज यानी कि 48 घंटे हजे नहीं होए हैं कि तुसीं 48 घंटे पहला देना सीगा। मैं ये पूछना चाहुंदा सीगा कि तुहाडी मेल है जिहड़ा सानू बिल है वो ऐतवार को रात को 8:30 बजे मिलता है,
ते मंगलवार नूं तुसीं मैनूं रिजेक्शन दे कागज हत्थ च फड़ा दिंदे हो। 36 घंटिया दे विच 48 घंटे किवें पूरे हो सकते ने? मैं ये स्पीकर साहब तो सरकार तो पुछना चाहुंदा सीगा, इहदे चों असीं इस बिल दे विच है की इस बिल दे विचों जे सही मायने दे विच MSP जोगे पैसे ने जिहड़े कढे जा सकते ने। पंजाब दे विच असीं लंबे समय तो मान साहब चीमा साहब सारी पार्टी कहिंदी आ रही है कि 30-35 हज़ार करोड़ रुपया जिहड़ा वह माफिया के हत्थां दे विच चला जांदा है, सरकार के लीडरां दे अफसरां दे कोल चला जांदा है, वह लैके किवें आउणा? वह विजिलेंस राहीं लैके आंदा जा सकदा है। इस दे विच कहिंदे कि विजिलेंस कमिशन बनावांगे, तो कमिशन बनाउण लई कमेटी बनाओ, किहड़ा कमिशन दे जिहड़ा चीफ और मैंबर ने वह अपॉइंट कौन करूगा? मुख्यमंत्री स्पीकर ते सीनियर मोस्ट मंत्री, ते उन्हां दी रिकमेंडेशन दे उपर स्टेट गवर्नमेंट है जिहड़ी वह चीफ डायरेक्टर ऑफ विजिलेंस लाएगी। मेरे कहने का मतलब है कि सिफारिश से स्टेट चीफ सैकटरी, स्टेट चीफ विजिलेंस कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटिव सैकटरी। मेरे कहने का मतलब है कि सरकार माफिया चला होंदिया ने, तो सरकारी सारे बंदे ने जोड़े उ विजिलेंस कमिश्न के सारे का रोल है। मैं ये अमेंडमेंट ये देनी चाहता सीगा कि जो तुम विजिलेंस कमिश्नर चीफ कमिश्नर अपॉइंट करने ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन मैंबर होना चाहिए, वो चीफ जस्टिस पंजाब एंड हरियाणा मैंबर होना चाहिए, ताकि एक न्यूट्रल एक ईमानदार बंदा जिहड़ा वो चीफ विजिलेंस कमिश्नर लग सके, ताकि वह सारे दे उपर नज़र रख सके। पर यह अज कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार खुद आप क्लीन चिटा मंडन वाली सरकार है जी बन चुकी है। आ हुण दो मसलों के उपर स्कॉलरशिप स्कैम के उपर भी और जिहड़ा जमीन का नूरपुर बेदी के स्कैम होया वो बारे भी कैप्टन अमरिंदर सिंह क्लीन चिट साधु सिंह धर्मसोत नूं दे चुके। सो डाकू चोरों नूं अपॉइंट कर रहे हैं, चोर अगे सिफारिशां करके जेब कतरां नूं अपॉइंट कर रहे हैं, पंजाब किवें बचूगा? जे ये ईमानदार हो ते उस कमेटी के लीडर ऑफ ऑपोजिशन और जे चीफ जस्टिस होंगे तो एक चंगा कमिशन बन सकता है, जिहड़ा कि सारे माफिया नूं कंट्रोल करने चंगी भूमिका निभा सकता है। पर क्योंकि इन्हां दी नीयत दे विच खोट है, जिहदी वजह करके अज ना पैसा आ रहा ते ना MSP है जिहड़ी वह देने दे लई हत्थ खड़े करी जांदे ने, जिस दे आम आदमी पार्टी की अरविंद केजरीवाल जी की सोच वाली सरकार पंजाब दे विच बन जाती है। उस दिन पूरे किसानों सारे पंजाब के किसानों MSP एश्योर्ड लीगल राइट देने दे लिए आम आदमी पार्टी है जी वचनबद्ध है। ये असी गल अज रखनी चाहता सी, पर सुनने की बजाय उन्होंने सानू बाहर कढ़ना बेहतर समझा। यही कांग्रेस है, यही कांग्रेस है जी लोग सभा दे विच कहिंदी है कि सानू बोलन नहीं दिता जाता है, असी अपोजिशन चा सानू बाहर कढ़ दिता जाता, साढ़े माइक बंद कर दिए जाते हैं। तो यही कांग्रेस सत्ता च इत्थे इत्थे कहिंदे जी असी अपोजिशन नू बोलन नहीं दिंदे। सो कहना कुछ होर करना कुछ होर ये नहीं चलूगा। आम आदमी पार्टी मुख्य विरोधी धिर होने का फर्ज निभाउंदी रहेगी। इन्हां बिलों के कल्ले कल्ले कलॉज बारे आने वाले दिनों भी असी किसान जथेबंदियों भी और खेती विज्ञानियों भी सलाह करके लोगों भी दसते रहेंगे। असी हर वक्त किसानों के नाल हाँ, वो वास्ते जो कुछ भी सानू करना पवे असी किसान वास्ते कुछ भी करने तैयार हैं। सुनील जाखड़ जी ने कहा है कि जिदा पंजाब विधानसभा ने रस्ता दिखाया है इन्हों बिलों रिजेक्ट करके अमेंडमेंट करके सेम दिल्ली की आप सरकार को भी करना चाहिए। सर असी तो पहली स्वामीनाथन तो बाद 850 रुपया उत्थे पैसे दे रहे हैं बिलों के बारे। सर बिल तो कुछ भी नहीं है, ये तो कागज है, ये तो कागज है, इन्हें कहड़ा कानून लागू हो गया अज तो कुछ भी नहीं। सो असी तो ऑलरेडी किसानों एक मिनट दिल्ली के 20,000 रुपए पर एकड़ जे कोई जी बेमौसमी बरसात होंगी वो मिलता है बिना किसी गरदौरी तो, गरदौरिया बाद च ने। तो दिल्ली के 800 तो 850 रुपये MSP तो उपर भाव मिल रहा है, असी तो ऑलरेडी उत्थे किसानों रिजेक्ट करने। सर यदा कोई फायदा ही नहीं, यदा कोई फायदा ही नहीं, ये तो कागज है, ये तो अमेंडमेंट है, कुछ भी नहीं है। कल तुसी नाल भी सर मैं कैसी फिर मैं पहला गया पहला गया देखो पता की देखो गलता सुन जवाब दे रहे हैं। मैं अनुसार गल कही है कि असी कल हालांकि सानू बिल बहुत जिस तरह अमन होर ने दस्या एन मौके पर 5-10 मिनट पहला देख के बिल तो बिल नू हौश पौश पास करा के उस तो बाद राजभवन जाने का मैसेज आया तो
तो असी कल ये मैसेज देने कामयाब होए हाँ पंजाब वाले सारे सेंटर नू कि असी इस मामले ते कट्ठे हाँ, पर मन मर्जी करे जा ये फुल झड़ियाँ अतशबाजियां चलाउण कांग्रेस सारे, ये उन्होंने गलत फहमी है। असी विरोधी धिर का रोल जिहड़ा वो निभाते रहेंगे, तो इन बिलों दी जिहड़ियां क्लॉज़ेस ने कमजोरियां ने वो पब्लिक नू असी दसदे रहेंगे। नहीं 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 असी तो असी बिलों पर कह जी हमें एम एस पी जी है इन्होंने कहता एम एस पी तो घट जो खरीदूगा तीन साल, जे सेंटर ने एम एस पी ना दी फिर किट कह देखो सेम इन्हों पंजाब एक्ट लियाने चाहिए सी ना कि अमेंडमेंट उन्होंने अमेंडमेंट से एक्ट फर्क है पंजाब का एक्ट लियाना चाहिए। कल बोले भी उत्थे हाँ कल बोले एक मिनट दो मैं एक मिनट हम दो मिनट ध्यान सुन लियो। देखो दो गल्लां कन्फ्यूज़ ना करो। नंबर एक कल असी इस करके सरकार दे नाल इन्हां बिलों दे नाल खड़े हाँ क्योंकि किसान जथेबंदियों नाल सारे नाल साडे गलबात हुई सलाह मशवरा आया ते असी वे चाहुंदे सीगे कि नरेंद्र मोदी जी नूं और जे कल नूं सुप्रीम कोर्ट दे विच वी जाणा पैंदा है तां इह सुनेहा जावे कि समुच्चा पंजाब इन्हां काले कानूनां दे खिलाफ है। नंबर वन असी यह नहीं चाहते सीगे कि कल यही कांग्रेसी जिन्हां दे आपदे दिल काले ने आपदे मन काले ने कल ये कहण कि यह तो जी देखो आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी टीम है साडा समझ लो मेरी गल साडा कल्ले कल्ले दी रिकॉर्डिंग है जिहड़ी वो रिकॉर्ड चक के देख लो विधानसभा का असी उन्हां नूं ये गल कही है कि काले कानून ने जिहड़ी गल दे उपर कैप्टन अमरिंदर सिंह ये आप कही जाण कि पता नहीं गवर्नर साहब ये मंजूरी देणगे नहीं देणगे राष्ट्रपति साहब मंजूरी देणगे नहीं देंगे कोर्ट के जितेंगे या नहीं जितेंगे ये गल तुसी साडे डिबेट ने जिहड़े कढ़ा के देख लो तीन महीने से असी यही गल कह रहे हैं नाल असी सारे ने यह गल कही है नाल असी सारे ने यह गल कही है कि ये मोदी चोर है मोदी के मन च मैल है तो पंजाब सरकार क्यों नहीं एम एस पी दी एश्योरेंस दिंदी हैगी क्यों नहीं लीगल गरंटी दिंदी हैगी कहिंदे पैसे है नहीं गे असी क्या पैसे दिंदे जे सानू असी दसदे हाँ लैंड माफिया सैंड माफिया रेत माफिया बिजली माफिया सारे माफिया बंद कर लो तो 25-30 हज़ार करोड़ इस आ जाएगा। अज ये साड़ी मसला असी यही नहीं चाहते सके कि किसी के मन च यह जाए कि आम आदमी पार्टी इस गल पर कोई डिवाइडेड स्टैंड है साडा स्टैंड है जिहड़ा उस दिन अरविंद केजरीवाल जी ने धरने के कहा है कि कल 6% किसानों को क्यों मिलती है एम एस पी पूरे पंजाब पूरे मुल्क के 100% किसानों मिलनी चाहिए है वो साडे नैशनल लीडर ने उन्होंने 100% लोगों की गल की है किसानों की गल की है असी पंजाब के बछिंदे हाँ असी पंजाब की 2.5-3 करोड़ जनता को जिहड़ा 70% जिदे किसान है असी उन्होंने एम एस पी का लीगल राइट मिलना चाहिए असी यदि गल की है यही गल कल की सी यही गल अज करांगे ते यही गल सारी उम्र करते रहांगे जिस दिन तक आम आदमी पार्टी की और अरविंद केजरीवाल जी की सोच वाली सरकार नहीं बन जाती हैगी उस दिन तक ही असी गल करते रहांगे। सो मेरी तुहानू हत्थ बन के बेनती है एक मिनट मेरी तुहानू हत्थ बन के बेनती है कृपा करके डोंट कन्फ्यूज द इशूज जे असी कल इन्ना ही काले जो काले कानूनों नू रद्द कर दी तो असी पहले दिनों कहिंदे आ रहे हाँ कि केंद्र सरकार का कानून है जिहड़ा वो पंजाब सरकार नहीं रिजेक्ट कर सकती हैगी अमेंड नहीं कर सकती हैगी जे अमेंड करनगे स्पीकर जिहड़े राज्यपाल ने वो परमिशन देन फिर गवर्नर देन फिर कोर्ट के जावांगे कोर्ट के भी ये क्लीयर एस्टैबलिश्ड लॉ है कि जे एक इशू के उपर दो सरकार केंद्र सरकार ते राज सरकार कानून बना देना तो जिहड़ा केंद्र सरकार का कानून हुंदा है वो प्रवेल पाउन करता है। सो ये सिर्फ और सिर्फ पंजाब के लोगों मैं मेरी कली कली डिबेट चक के देख लो मैं कहना रहा कि लोगों की अखा के कट्टा पा के 22 के वोटा लेने की कोशिश ना करना आई कुछ इन्होंने 2004 के किया पानिया के बिल से अज 16 साल हो गए दसो मैं समझाओ पानिया के बिलों का एसओई का कोई मसला हल होया पानी च मधाणी पा के रिड़क पा दी 16 साल उ रिड़की जा रहे हैं तो आही काम इन्होंने हुण करता। मैं कहना तुसी नहीं जो नहीं कर सकते है इन्हों रिजैक्ट घट्टो घट तुसी इन्नी एश्योरेंस दो कि असी एम एस पी आप लीगल राइट देवे की गलत है सुनो एक मिनट स्पेशल सैशन के नाल सुनो एक मिनट असी मंग की है असी ये मंग तो नहीं की हैगी कि एम एस पी पंजाब सरकार ना दे यही तो असी मंग करते रहे हैं ये जे एक मिनट एक समझ लो मेरी गलू असी सारी रात विधानसभा के अंदर कट्टी और इस उम्मीद आसते कट्टी जिमें कहते हैं कि असी लासानी बिल लैके आवेंगे सानू तो यह उम्मीद सी कि शायद एम एस पी दे लीगल राइट का बिल लेके आने जे आही बिल जे कल सूँ दते ने कल की बजाय परसों दे देंगे
ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਸਟੈਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਰਾਈਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਤਾਂ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਓ, ਪਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਮਨ ਜੀ, ਵੀ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਨੋ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਆਪ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਬ੍ਰਿੰਗ ਬੈਟਰ ਬਿਲਸ ਦੈਨ ਦਿਸ। ਪਲੀਜ਼ ਲਿਸਨ, ਮੈਂ ਲੈਟ ਮੀ ਕਲੀਅਰ। नंबर वन, दिल्ली में ये जो काले कानून आए हैं ये इससे सिर्फ और सिर्फ पंजाब और हरियाणा का जो फार्मर है 6% पूरे मुल्क का वो इफेक्ट हो रहा है। इससे ना महाराष्ट्र का, ना मध्य प्रदेश का, ना दिल्ली का कोई किसान इफेक्ट नहीं हो रहा। किसान के जो ऊपर इफेक्ट आना था उसको तो अरविंद केजरीवाल जी 3 साल पहले ऑलरेडी उसको स्वामीनाथन के मुताबिक 900 रुपये अपनी जेब से देके उसको तो प्रोटेक्ट कर चुके हैं। अब जैसा सुनिए, जिस बिल को की कोई वैलिडिटी नहीं है वो दिल्ली सरकार के विधानसभा में आए या ना आए, हाउ डज दैट मेक ए डिफरेंस, समझाइए मेरे को। हम अरविंद केजरीवाल जी का स्टैंड बड़ा स्पष्ट है कि मैं अपने लोगों को, मैं किसानों को बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा। उन्होंने अपनी जेब से दे दिए। जो बंदा 30,000 करोड़ का बजट को लेके 65,000 करोड़ तक जा सकता है उसने दे दिया, और इन्होंने 3 साल में 60,000 करोड़ का कर्जा चढ़ा दिया। सो इस करके हमारा कहना मतलब ये है कि MSP दी जा सकती है, पैसा जब आएगा। सिद्धी जी गल लाने के लिए नीयत साफ और नीति चाहिए। मैं सिद्धी जी गल करदा कि कांग्रेस ये ना समझे कि असी कोई पंजाब के किसानों वास्ते कोई रेवोल्यूशनरी पता नहीं कोई कल का जिवें कहिंदे सी ना अमरिंदर सिंह जी कि अज हिस्टोरिक डे है। एक अमेंडमेंट का बिल पास करके उन्होंने देता, उन्होंने चक के परा मारना है। किसानों की समस्या उत्थे दी उत्थे रहूगी, बजाय किसानों अपील करन दे कि तुसीं धरने खत्म कर लो, कोला नहीं हैगा, खाद नहीं हैगी। प्रधानमंत्री नाल क्यों नहीं गल करते CM साहब कि किसानों नाल गल करो, किसानों उत्थों बेइज्जती करके मोड़ता उन्होंने, उन्होंने कोई मिलनी नहीं आया, अफसर आए दो वो आ गए वापस आ गए। सो इस करके किसानों के संघर्ष का असीं पहलां भी साथ दे रहे सी, हुण भी साथ दे रहे हैं। खुद किसानों के पोतां सानूं कली कली गल का पता है। कैप्टन साहब अखां च कट्टा पाउण दी कोशिश ना करन, सारे बिलों के कलॉज कली कली गल असीं लोकां सामने भी रखते हैं। मेरा सवाल ये है कि जब 24 जून को भगवंत मान जी ने ऑल पार्टी मीटिंग में कहा, हम सब ने कहा कि CM साहब आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से टाइम लीजिए, हम सारे आम आदमी पार्टी के MLA MP नंगे पैर वहां चल के जाएंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज शो कर दे कि उन्होंने 5 महीने में कब टाइम मांगा है उनसे, जब टाइम ही नहीं मांगा। कल कहते हैं कि मैंने राष्ट्रपति जी से 2 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक का जो टाइम मांगा है। अरे भैया मेरे को आप बताइए कि बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो? राष्ट्रपति इसमें क्या कर सकते हैं? आप प्रधानमंत्री को आपने चिट्ठी नहीं लिखी, आपने टाइम नहीं मांगा। हम आज भी कहते हैं कि टाइम लेना तो प्रधानमंत्री से के पास जाके लें, क्योंकि पैसा उन्होंने रिलीज करना है, राष्ट्रपति ने नहीं करना। वहां जाके चाहे धरना लगाना पड़े, चाहे भूख हड़ताल पे बैठनी पड़े, मसला हल उस बंदे से होएगा, नरेंद्र मोदी से, जिसने ये कांटे पंजाब के लिए बोए हैं। थैंक यू।